हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पार्ट फोर करेंगे, जो आपके ऑटोकैड के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसका पार्ट फोर है, जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज के पार्ट फोर में हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कमांड अलाउज अस टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सम स्टेटस। मतलब ऐसा कौन सी कमांड है कि हम ऑब्जेक्ट्स को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लाइन वेट, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर लेयर्स। तो उसके लिए अगर मैं ऑटोकैड पे चलता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब मान लो मेरे पास कुछ लाइंस हैं, कुछ ग्रीन कलर की लाइन है, कुछ रेड की है, कुछ येल्लो की है, कुछ सर्कल्स है ग्रीन और येल्लो, उनकी कुछ की थिकनेस अलग है। मान लो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट है सारे सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है क्यू सेलेक्ट कमांड। क्यू सेलेक्ट पे जाओगे, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसका आई बोल पे आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके कम्प्लीटली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लो कंप्लीट कलर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया एंड ओके करोगे तो ओनली ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, ठीक। या फिर मान लो आप ओनली ग्रीन कलर की लाइन सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्यू सेलेक्ट पे जाओ, यहाँ पे जाओ, लाइन पे क्लिक करो, अब कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन कर दो, ओके, तो सिर्फ ग्रीन कलर की लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप पर्टिकुलर थिकनेस की लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो लाइन, और लाइन वेट आपने यहाँ पे डाला और लाइन वेट डाला 0.3 का एंड ओके, तो 0.3 के लाइन वेट की जितनी लाइन है वो सारी आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको फ्रीडम मिलती है कि आप पर्टिकुलर किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ क्यू सेलेक्ट, और इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आई बोल पे मिल जाएगी आपको, आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू क्रिएट ए लाइन रिप्रेजेंटिंग लेंथ 15 यूनिट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन इज नॉट एट द ओरिजिन। मतलब इसका कहने का मतलब है, एक लाइन बनानी है 15 यूनिट की, यूनिट वो कुछ भी हो सकता है, mm, सेंटीमीटर, कुछ भी, 15 यूनिट की एक लाइन है और 30 डिग्री के एंगल पे लाइन लगानी है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स पे लगानी है, बट फर्स्ट पॉइंट जो उसका ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑटोकैड में, तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइन बोल लगाने के लिए क्या बोला कि मान लो बेसिकली मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मेरे पास लाइन है, मान लो मेरे को इस पॉइंट से एक लाइन लगानी है 15 यूनिट की। अब एल एंटर करके अगर मैं 15 करता हूं यहाँ पे, मान लो मेरे को 15 यूनिट की लाइन लगानी है, मैं और जूम कर लेता हूं, ठीक है, अब ये तो होगी 90 डिग्री पे, बट मेरे को कितने एंगल पे चाहिए, वो चाहिए 30 डिग्री के एंगल पे। अगर मैं ऑर्थो ऑफ करता हूं तो 30 डिग्री के एंगल में मेजर नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं लगाऊंगा पोलर ट्रैकिंग ऑन करके, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ये सारे आपके ऑप्शन होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड वन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम जो लगाएंगे, मान लो इसने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना है, लेंथ चाहिए, जो डिस्टेंस चाहिए वो 15 और एंगल चाहिए 30 डिग्री का, तो हम इसके लिए यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे चलना है, एट द रेट के बाद डिस्टेंस डालो 15, 15 के बाद आपको डालना पड़ता है एंगल। एंगल डालने के लिए आपको लेस देन का साइन डालना है, यहाँ पे ये एंगल का साइन है और लेस देन भी हम इसे बोलते हैं, तो इसके बाद डालो 30, तो एट द रेट 15 एंगल 30। अब आप एंटर करोगे तो अब आप देखोगे जो ये लाइन का डिस्टेंस है, अगर आप प्रॉपर्टी या फिर आप यहाँ पे जाके देखते हो लाइन डायमेंशन पे, तो लेंथ है 15 और जो आपका एंगल यहाँ पे रहेगा वो रहेगा TAN, एंगुलर डायमेंशन चेक करो वो 30। तो ये लेंथ आपकी आ गई है 15 की और एंगल है 30, तो ये बनाया है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा एट द रेट 15 एंगल 30। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसपे मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बना पाऊं, क्लियर है। तो राइट आंसर रहेगा ये। उसके बाद टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वर्क स्पेस इन फोकस व्हाट कमांड शुड बी यूज्ड। कि पर्टिकुलर एरिया को फोकस करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूं, मेरे पास ये है, मेरे को सिर्फ ये तीन पे फोकस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी। अगर मैं जूम पे जाता हूँ जेड एंटर करके, अब जेड एंटर के अंदर इतनी सारी कमांड होती है, अगर मैं ऑल करता हूं तो सारी कमांड मेरे सामने आ जाएंगी, कंप्लीट विजिबल स्क्रीन पे मेरा कंप्लीट आपका जितने भी ड्राइंग है वो सामने आ जाएगा।
बट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोकस करना है तो जेड एंटर करके आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करें और पर्टिकुलर उस पर एक विंडो बना दें तो आपका वो वाला पार्ट फोकस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा जूम विंडो। जूम विंडो से आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लाइन। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम यूज नहीं कर सकते। अब इसका राइट आंसर जो रहेगा, अगर मैं ऑटो कैड पे जाता हूं यहाँ पे, इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, मान लो मैं यहाँ पे ऑटो कैड पे आ गया, ऑटो कैड पे जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यू एन एंटर करूंगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस यूनिट में मेरे को लाइन चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपके उसमें यार्ड्स, परसेक्स, माइक्रोन्स एंड ग्रेड्स आपको मिलेगा। जब आप ऑटो कैड पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास यार्ड्स है, ठीक है, आपके पास परसेक्स भी है और आपके पास माइक्रोन्स भी है, बट आपके पास जो ग्रेड्स है वो आपको नहीं मिलेगा, ग्रेड्स आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हुआ कि ग्रेड्स आपके लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, उसके बाद ए फिलेट कमांड इज यूज टू प्रोड्यूस। अब फिलेट कमांड क्या करती है, शार्प कॉर्नर बनाती है या राउंड बनाती है या दोनों ही बनाती है, नन ऑफ द अबव। अब जब आप किसी भी चीज को फिलेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक लाइन है यहाँ पे 100 की, अब ये मैंने 100 की यहाँ पे लाइन, जब ये ठीक है, उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पीछे कर, ओके ऐसे, ठीक है। अब मान लो मेरे को इन दोनों को कॉर्नर में मेरे को मिलाना है, कॉर्नर वे पे मिलाना है बिल्कुल जैसे अभी थे, तो मैं फिलेट डाल सकता हूँ विदाउट रेडियस, रेडियस रखूंगा 0। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये कॉर्नर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉर्नर हो गए आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है, शार्प कॉर्नर भी बन रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं एफ एंटर करके आर एंटर करके रेडियस डाल देता हूँ 10 का, तो ये आप देखोगे आपके राउंड कॉर्नर भी क्रिएट करते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ बोथ ऑफ द अबव कि आपके शार्प कॉर्नर भी बनाता है और आपके राउंड कॉर्नर भी क्रिएट करता है आपका फिलेट कमांड। ओके, उसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट डिजाइन वर्कस्पेस इन ऑटोकैड 2022। मतलब जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करते हो, एक न्यू ड्रॉइंग अगर मैं लेता हूं, तो डिफॉल्ट वर्कस्पेस क्या आता है यहाँ पे, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोडेस्क ने ये आप यहाँ पे डिसाइड किया है और ये बाय डिफॉल्ट आता है, वरना 3D बेसिक या मॉडलिंग भी है बट बाय डिफॉल्ट ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन शो होता है। तो इसके लिए मेरा राइट आंसर है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ठीक है। उसके बाद विच कोऑर्डिनेट ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीसेट द ओरिएंटेशन ऑफ यूसीएस टू इट्स डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑटो कैड पे जाता हूँ और मेरे पास ये यूसीएस है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं इस पे क्लिक करके इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ, कोई भी ओरिएंटेशन ली या इस तरीके से की या जो भी आप इसके साथ कुछ भी कर रहे हो, अगर रिसेट करना है तो आप इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे आता वर्ल्ड, वर्ल्ड पे क्लिक कर सकते हो या फिर यू सी एस पे क्लिक करके यहाँ पे इसे वर्ल्ड कर सकते हो ताकि ये रिसेट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा यू सी एस वर्ल्ड रहेगा, ठीक है, आप यू सी एस वर्ल्ड से अपने यू सी एस को रिसेट कर सकते। एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए ब्लॉक बाई यूजिंग एक्सप्लोर ओवरकिल रिडिफाइंड अनइक्वल। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्लॉक है, मान लो मेरे पास ये दो सर्कल है, क्लियर है, अगर मैं बी एंटर करके नाम रखू, मान लो ए के नाम से रखा, पिक पॉइंट एंटर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, अलाउ एक्सप्लोरिंग ये बाई डिफॉल्ट होता है, ओके कर दिया तो ये क्या हो गया, एक ब्लॉक बन गया, क्लियर है। अब इस ब्लॉक से मेरे को अलग अलग करने हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट को, तो इस ब्लॉक को अगर आप एक्सप्लोर करोगे एक्स एंटर करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाएंगे। बट इसकी भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आप बी एंटर करके दोबारा से मान लो आप ब्लॉक बनाते हो, मान लो क्यू रखा मैंने नाम पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने किया, अगर आपका अलाउ एक्सप्लोरिंग है तो ही वो एक्सप्लोर कमांड से दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करेगा, बट अगर अलाउ एक्सप्लोरिंग नहीं है, मान लो मैं अनचेक कर देता हूं ओके, तो मैं एक्सप्लोर कमांड की हेल्प से इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्लियर है। तो ये भी एक कंडीशन है बट इसका यहां पे राइट आंसर है एक्सप्लोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द पोलर एरे इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ए ग्रिड पैटर्न, इन ए सर्कुलर पैटर्न, इन ए स्ट्रेट लाइन और ऑल ऑफ द अबव। तीन टाइप के आपके एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। अगर मैं ऑटो कैड में आपको दिखाऊं, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे चेयर है, डीसी एंटर करके मान लो मैं एक चेयर रखता हूँ, अब इस चेयर को अगर मैं एरे करता हूँ, ए आर एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और रेक्टेंगुलर एरे करता हूँ, तो आप देखोगे ये आपका जैसे चेयर रो और कॉलम्स के वे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लियर है।
मान लो मैं यहाँ पे एक और चेयर लेता हूं और इसको मान लो मैंने एक स्पेशल लाइन ली, एक पाथ लिया बेसिकली, कोई भी एक मैं पाथ लेता हूँ। इस पाथ पे अगर मेरे को इस चेयर को रखना है तो मैं यहाँ पे ए आर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और पाथ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट वो पाथ पे आ जाएगा। बट ये हो गया पाथ एरे। पोलर एरे क्या करता है कि मान लो मेरे पास ये एक टेबल है और मैंने यहाँ पे एक चेयर को यहाँ पे प्लेस किया, उसको मैंने यहां से पिक करके मूव किया और इस चेयर को चारों तरफ लगाना है इसके राउंड वे में, सर्कुलर वे में, तो हम यूज करेंगे पोलर एरे। ए आर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और उसके बाद पोलर भी और इसके सेंटर पे किया, तो पोलर एरे आपका राउंड सर्कुलर वे में बनाने के लिए काम आता है। तो पोलर एरे का काम है इन्हें सर्कुलर पैटर्न। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। मैं इतनी सारी चीजें इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ओनली सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन बताया, आंसर लिखा और आपको बता दिया, इतना नहीं है कि एक्चुअल में क्यों है वो मैं आपको बताने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो अभी के अभी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत। उसके बाद है वेरियस मेथड टू एक्सेस पेन कमांड। पेन कमांड किस किस वेरियस मेथड से आ सकता है? राइट क्लिक एंड सिलेक्ट पेन फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल मेनू। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे मान लो पेन करते हो, राइट क्लिक करते हो और यहां से आप पेन स्टार्ट क्लिक कर सकते हो, ये भी पेन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पेन कमांड, आप पेन कमांड से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाते हो पी ए एन एंटर तो आप पेन कमांड से भी कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन मेन्यू यहाँ पे पेन पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेस एंड होल्ड मिडल माउस बटन। माउस बटन का मिडल बटन है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये माउस है, इसका ये मिडल जो बटन है इसको भी आप प्रेस करके होल्ड करके पेन कर सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव कि तीनों ही मेथड से मैं अपने ऑब्जेक्ट को पेन कर सकता हूं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन आपके। आशा करता हूं आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलोगा, आंसर पता चलोगे, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।